हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी सीक्रेट्स। सो फ्रेंड्स, आज जो है वो है वीडियो जो मैं लेकर आई हूँ, वो लेकर आई हूँ ब्यूटी से रिलेटेड। अब जो है मैं आपको सिखा रही हूँ होममेड कंसीलर, जो हम अपने ब्यूटी प्रोडक्ट में से ही कंसीलर बनाएंगे, क्योंकि कंसीलर जो है थोड़ा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, ब्यूटी प्रोडक्ट है जो है। अगर हम किसी अच्छे ब्रांड का लेते हैं वो थोड़ा सा हमें एक्सपेंसिव पड़ता है, और फिर वो हमें स्किन टोन के हिसाब से लेना होता है। अगर हमारी स्किन टोन जो है वो उस अक्सर ऐसा होता है कि जब हम लेने जाते हैं तो वो हमें स्किन टोन के हिसाब से मिलता नहीं है, कभी डार्क कभी लाइट, हमारी स्किन से मैच नहीं मिलता, तो उसकी वजह से हमें मजबूरन ख़रीदना पड़ता है और फिर जो है हमें लगाना पड़ता है। ऑब्वियस जब ले लेते हैं तो क्या कर सकते हैं कि हम उसे कैसे बना सकते हैं। तो आप कोई भी कंटेनर ले लें, बाउल ले लें, बाउल में बना लें और उसके बाद किसी कंटेनर में डाल लें, जैसे आपको ठीक लगे। ठीक है, मैं आपको बाउल में बना के दिखा रही हूँ ताकि ईजिली बन जाए और आपको मैं शो कर सकूँ। सो और यस, अगर आपने मेरी अभी तक जो है मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन दबाइए और ऑल की नोटिफिकेशन पे प्लीज़ प्रेस कीजिए, ताकि मेरी जितनी भी अपडेट्स आएँ न्यू न्यू वो आप लोग को मिलती जाए। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो चलें चलते हैं वीडियो की तरफ विदाउट टाइम वेस्ट किए। सो हमें अब चाहिए होगा, अच्छा ये जो कंसीलर है ये हम बनाएंगे 1:2 के रेशियो से। ठीक है, हमें 1:2 का रेशियो चाहिए होगा इसमें। तो इसमें क्या होगा कि अगर हम लोग को चाहिए होगा, एक ये निविया सॉफ्ट की हमें क्रीम चाहिए होगी, मॉइस्चराइज़र क्रीम, और सेकंड जो है हमें चाहिए होगा कॉम्पैक्ट पाउडर। ठीक है, और अगर ये दो मैं बता रही हूँ आप लोगों को नॉर्मल टोन के लिए, जो हमारी नेचुरल टोन है, क्योंकि कॉम्पैक्ट पाउडर जो होता है मोस्टली जो यूज़ कर रहे हैं घर में आप लोग, तो वो अपने टोन के हिसाब से यूज़ कर रहे होंगे। अगर डार्कर है तो डार्कर होगा लोअर, अगर आप फेयर है स्किन टोन तो आपने अपना फेयर रखा होगा, तो उसके हिसाब से। अगर आपको डार्कर टोन पर चाहिए या लाइटर टोन पर, अगर आपको मज़ीद लाइटर करना है अपना कंसीलर, तो हम उसके अंदर ऐड करेंगे ये बेबी पाउडर जॉनसन्स का। ठीक है, थोड़ा सा बनाऊंगी, अगर आप भी थोड़ा सा बनाइएगा, अगर आप लोगों को कंसीलर ही सूट करता है तो फिर आप उसे ज़्यादा क्वांटिटी में बना सकते हैं। ठीक है, चाहे तो आप इतनी क्वांटिटी में बनाएं अगर आप बार बार बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो अच्छा मैं ये डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून जितनी जो है ना मैं इसमें ऐड करूँगी नेविया की मॉइस्चराइज़र क्रीम। इतनी ठीक है, ये होगी 1/2। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे कॉम्पैक्ट पाउडर। मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग 1:2 के रेशियो से बना रहे हैं, तो 1 रेशियो अगर हमने इसका डाला है मॉइस्चराइज़र का, तो इसका डबल पार्ट जो है वो हम इसका कॉम्पैक्ट पाउडर डालेंगे। कॉम्पैक्ट पाउडर जो है मेरे पास, मेरी फेयर टोन है तो मेरे पास फेयर में है, आपके पास आपकी स्किन अगर डार्कर होगी तो ऑब्वियस आपके पास डार्कर कॉम्पैक्ट पाउडर होगा, आप वो डालेंगे। ठीक है, इसको आप स्पून नाइफ या किसी भी स्क्रैचर की मदद से इसको स्क्रैच कर लें। ठीक है, और अभी ये और कम है और स्क्रैच कर लेते हैं इसको हम। ठीक है, तो ये हमने डबल क्वांटिटी में हमने ये कॉम्पैक्ट पाउडर डाल दिया। ठीक है, इसको आप करेंगे मिक्स। अच्छा, कंसीलर जो होता है ना वो हमारा ड्राई होता है, हमारा वो स्मूथ या सॉफ्ट नहीं होता, तो हमारा ये आप देख सकते हैं, इसीलिए मैंने इसका 1:2 रेशियो बताया था आप लोग, ताकि आप लोगों को बनाने में ईजी हो। या आप देख सकते होंगे कितना ड्राई है, बस इसी के साथ हमने इसको मिक्स करना है। इसमें मज़ीद कोई क्रीम फाउंडेशन कुछ ऐड नहीं होगा, इसको ही हमने इसके साथ मिक्स करना है, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड बनेगा, ड्राई ड्राई सा बनता है।
ये देखें, ये इस बाउल पे लग रहा है, तो इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये हार्ड फॉर्म में है, ड्राई सा है। ठीक है, अब ये देखें, अब ये तो हमारा कंसीलर बन गया है हमारी कंसील करने के लिए। अब अगर आपको लगता है कि ये देखें, मैं आपको एक दफ़ा तो लगा के दिखाती हूँ तो आपको आइडिया आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इस तरह से लेकर आपने इसको ब्लेंड करना है। दैट्स डन। ठीक है, ये देख लें आप, ये हो गया है हमारा डार्कर थोड़ा सा। ये देखें आप कितना अच्छे से ये ब्लेंड हो रहा है, ये बिल्कुल जो है ना वो नहीं है स्मूथ या बिल्कुल केकी सा नहीं लगेगा, बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा ये, क्योंकि ये हमने थोड़ा सा ड्राई बनाया है इसीलिए। ये देखें, ठीक है, आप इससे और इससे देख सकते हैं। अब हम इसके अंदर बेबी पाउडर ऐड करेंगे, अगर जिसको थोड़ा सा और मज़ीद लाइटर टोन में चाहिए, प्लस अगर जिसको लगता है कि मॉइस्चराइज़र इसमें ज़्यादा डल गया है तो भी आप कॉम्पैक्ट पाउडर मज़ीद ऐड कर सकते हैं या फिर ये बेबी पाउडर ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर आपने डालना है ये हाफ टी स्पून से भी कम, एक्चुअली अकॉर्डिंग टू नीड डलेगा कि आपको जितना आपको चाहिए। अब ये वाइट पाउडर है तो अगर वाइटर टोन आपको जितनी ज़्यादा चाहिए तो उसके हिसाब से आप इसको ऐड करेंगे, अगर आपको नहीं चाहिए ऐड नहीं करना है, आपको कॉम्प्लेक्शन डार्क जो इतना आपका है जो कॉम्प्लेक्शन उसके टोन के हिसाब से बना है तो आप जो है वो कॉम्पैक्ट पाउडर ऐड कर लीजिए, अगर आपको लगता है कि मेरा मॉइस्चराइजर ज़्यादा डल गया है तो। लेकिन अगर आप इसी रेशियो से बनाएंगे तो आपका बिल्कुल जो है ना परफेक्ट बनेगी कंसीलर, बिल्कुल कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखें, ये हो गया थोड़ा हमारा लाइटर टोन में कंसीलर। जितना लाइट करना चाहें उतना ज़्यादा जो है आप इसमें बेबी पाउडर ऐड करेंगे। ये ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए आपको तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। ओके, टिल देन जब मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।